कुंभ 2021 के लिए सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का विरोध लगातार जारी है। जहां एक ओर हरिद्वार के संत इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं आज हरिद्वार के होटल व ट्रेवल्स व्यवसायी ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस फैसले पर अपना पक्ष रखा। सरकार सिर्फ इसी बात की चिंता करती है कि मुझे केंद्र सरकार से जो एसओपी जो जारी हुई है उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कराना है। इस एसओपी के नाम पे हरिद्वार की जनता को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब हम मरने वाले हैं तो हम सरकार चाहे तो मुझे जेल भेजे, चाहे जो कुछ भी करे, हम इसके खिलाफ हम बड़ा रणनीति तैयार करेंगे। सरकार को चिंता नहीं है इस बात की, हरिद्वार के नागरिकों की कोई चिंता नहीं है, पूरे देश में सब कुछ सामान्य चल रहा है और आप उत्तराखंड में देखिए कैसी हालत हो गई है। हरिद्वार के बजट एसोसिएशन ने आज एक बैठक कर प्रदेश और राज्य सरकार द्वारा कुंभ को लेकर जारी की गई एसओपी का विरोध किया। बैठक में बजट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि सरकार कुंभ मेले को अति सूक्ष्म करे, जिससे मात्र अप्रैल माह के स्नानों को ही एसओपी के अंतर्गत रखा जाए, ताकि बाकी स्नान को कुंभ की एसओपी से छूट मिल सके और हरिद्वार आने वाले यात्री बिना किसी परेशानी के आ सकें। हमारी जो है आज यही मांग है सरकार से कि इस मेले को बहुत सीमित करे और केवल जो अप्रैल माह के जो स्नान है, जिसमें 12 तारीख का स्नान, 13 तारीख का स्नान, 14 तारीख और 15 तारीख का जो स्नान है जिसे मुख्य स्नान के रूप में हम देखते हैं, उसमें भारी भीड़ आने की शंका है, केवल उसी मेले को अधिसूचित करे और बाकी जितने भी स्नान हैं उसको जो है सुचारू रूप से जिस प्रकार से चलते जा रहे राज्य सरकार के एसओपी के द्वारा उसी एसओपी के द्वारा चले। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के व्यापारियों ने सोचा था कि कोविड से हुए नुकसान की भरपाई कुंभ में होगी, परंतु एसओपी से एक बार फिर नुकसान होने जा रहा है, जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। वर्तमान में हालत ये है कि हम लोगों की स्थिति ये है कि ना हम लोगों के पास खाने को पैसे हैं और ना लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं। हमारे ऊपर बैंकों का ऋण बढ़ता जा रहा है, साथ ही सरकार के द्वारा हमें किसी प्रकार का कोई भी राहत ना देने के कारण जो सरकार की आउटस्टैंडिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। कहीं बिजली के बिल के रूप में है, कहीं जो है जल मूल्य के रूप में है, इसी तरह के तरह तरह के जो हैं और जो बंदिशों में हमको बांध दिया गया है उसकी वजह से हमारा निरंतर व्यवसाय चौपट हो रहा है। आज की तारीख में यह स्पष्ट नहीं है कि जो कुंभ मेले का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, कुंभ मेले का आयोजन होगा या नहीं होगा, ये बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जो एसओपी जारी की जाती हैं उसमें बड़ा विरोधाभास रहता है, समय के अनुसार वो एसओपी जारी नहीं हो रही है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोगों में संदेश जा रहा है कि उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट हो गया है, शायद इसीलिए जो है कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिससे बहुत बड़ा व्यापार का नुकसान हो रहा है और आने वाले सीजन में भी हमें बहुत नुकसान होने वाला है। वहीं हरिद्वार होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष आशु शर्मा ने भी बताया कि सरकार केवल धनवान श्रद्धालुओं को ही कुंभ में बुलाना चाह रही है, क्योंकि जिस तरह से यह एसओपी जारी की गई है उससे यह साबित होता है कि गरीब तबके के लोगों का हरिद्वार कुंभ में आना संभव नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस एसओपी में ढिलाई बरती जाए, नहीं तो इसके विरोध में आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। क्या सिर्फ पैसे वाले और धनवान लोगों के लिए ही है? जो सुदूर गांवों से बसों में भरकर कर्नाटक से, केरला से, तमिलनाडु से, बंगाल से, गुजरात से जो लोग आते हैं यात्री, उन लोगों के पास क्या व्यवस्थाएं हैं? अधिकारियों का कहना ये रहता है कि साहब ये केंद्र सरकार की एसओपी है, लेकिन मैं इसमें बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण रखता हूं। केंद्र सरकार ने एसओपी के लिए सुझाव प्रदेश सरकार से मांगे थे, प्रदेश सरकार ने हरिद्वार के स्थानीय प्रशासन से मांगे थे, तो ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश कोई अधिकारी न करे कि केंद्र सरकार की एसओपी है। सुझाव यहां से गए, फिर केंद्र सरकार ने उन सुझावों के आधार पर एसओपी जारी की। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।